आजमगढ़ में महाराजागंज थाना क्षेत्र के ग्राम देवारा जदीद में भतीजी ने किसी पुराने विवाद को लेकर अपने चाची पे वार कर उसकी हत्या कर दी, जिसका लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। गंभीर रूप से घायल महिला को आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले ली। अमित निषाद अपने जनसेवा केंद्र पर बैठा था, तभी वहां आग सेक रही उसकी चाची साफी देवी व रीता के बीच किसी पुराने करीब 3 वर्ष के विवाद की बातचीत करते समय आपस में कहासुनी होने लगी। इतने में अमित अपनी दुकान से निकलकर गुस्से में आकर लोहे की रॉड से अपनी चाची साफी देवी को पीछे से मार दिया और दोबारा भी शरीर पर वार किया, जिससे वह मौके पर ही गिर गए। अमित को मारता देख आसपास के लोग महिला को बचाने के लिए दौड़े। लोगों को आता देख अमित वहां से भाग गया। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय थाने के पुलिस तथा सीओ सागरी मौके पर पहुंचे। वहीं इस घटना को लेकर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी अमित को पुलिस ने अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है, जल्दी विधिक कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज थाना के अंतर्गत देवरा जदीद ग्राम का प्रकरण है, जिसमें सुबह 8:30 बजे एक महिला जिसका नाम साफी है, उम्र लगभग 55 वर्ष, बैठ के आग ताप रही थी और कुछ महिलाओं से बातचीत कर रही थी। उसके पास में उसका भतीजा जो सेवा केंद्र संचालित करता है, नाम अमित निषाद है, उसने किसी बात पर उग्र होकर तत्काल एक लोहे का राड निकाला और महिला के ऊपर हमलावर हो गया। महिला के ऊपर उसने चोटें की, जिसे महिला वहीं पर घायल होकर गिर पड़ी। उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ले जाया गया चिकित्सा के लिए, तो देखा गया तो वहां पर उसे मृत पाया गया है। इस संदर्भ में धारा 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया और आरोपी अमित को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्दी से वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।